नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिन्हा और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं अपना गांव। लेकिन दोस्तों इससे पहले अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। तो चलिए चलते हैं आज के न्यूज़ की ओर। क्या हैदराबाद के किले यानी ओवैसी का गढ़ है खतरे में? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हैदराबाद जो कि ओवैसी का गढ़ है, लेकिन इसे जीतने के लिए बीजेपी ने लगा दी है जोरदार का जोरों शोरों का दम। माने तो हैदराबाद में केवल नगर निगम का चुनाव है, लेकिन दोस्तों इसे ओबीसी और बीजेपी के सड़क रैली ने बहुत बड़ा इलेक्शन बना दिया है। तो एक तरफ ओबीसी ब्रदर्स अपनी जुबानी तीर छोड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज अपने जुबानी तीर छोड़ते हैं। जो यहां पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गौरव दिलाने का कार्य कर सकती है। आप आकर हमारे को खुजाए तो खुजली आपको हो गई। आपके बीजेपी के एक आदमी ने कहा कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर ये ओवैसी का गढ़ हैदराबाद के किले को कौन करेगा फतेह? जी हाँ, हैदराबाद के नगर निगम चुनाव बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों? जी हाँ दोस्तों, ये हैदराबाद के नगर निगम चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को फतेह करने के लिए अपने दिग्गज बड़े बड़े नेता को दिए हैं रोड में उतार। आखिर क्यों बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को सड़क पर उतारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक उतर गए इस चुनावी रैली में। क्या ओवैसी ब्रदर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैली से हैं भयभीत? जी हाँ दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के रैली से ओवैसी ब्रदर्स भयभीत हो जाएंगे, करारा जवाब नहीं देंगे? लेकिन दोस्तों ओवैसी ब्रदर्स इतने में मानने वाले नहीं है। ओवैसी ब्रदर्स ने बीजेपी के दिग्गजों को भी दिए हैं करारा जवाब। बीजेपी की जमानत कसम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो। नरसिम्हा राव वो मनुष्य की समाधि में गए, जाओ उन समाधियों को भी निकाल कर। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग्य नगर बनाने की बात की, तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी में जमकर हमला बोला। इंशाअल्लाह ताला और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखेंगे क्या होगा। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे लोग। और इसी चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्यो का मुद्दा उठाया और इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी में खुलकर बरसे। 30,000 अगर रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में, तो इसका मतलब यह है कि इल्लीगल है, आप निकालो ना उनको, कौन रोक रहे आपको? फिर इनका ही एक आदमी बोल दिया कि पुराने शहर में पाकिस्तानी रोहिंग्या अफगानी है। लेकिन इन सब में छोटे ओवैसी भी कहां मानने वाले हैं। छोटे ओवैसी ने इस पर भी किया तीखा प्रहार। नरसिम्हा राव वो मनुष्य की समाधि में गए, वो एंटी रामा राव की समाधि में गया, वो लुम्बिनी पार्क में गया, जाओ उन समाधियों को भी निकाल कर फेंको। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि इस किले को जीतने में बीजेपी का दिग्गजों का जादू काम करता है या ओवैसी ब्रदर का। लेकिन उससे पहले ओवैसी के इस रिपोर्ट को देखिए। इंतखाबी मुहिम चलाई गई, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज के इस जलसे में साबिका मेयर मीर जुल्फ़ार अली साहब भी बैठे हुए हैं। अगर मेरा हाफिजा सही है तो आज से 32 साल पहले जब बल्दिया के इंतखाबात हुए थे तो मीर जुल्फ़ार अली साहब चार महल से मजलिस के उम्मीदवार थे, और वहां से जब पोलिंग हो रही थी, तेलुगु देशम की हुकूमत थी, एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर थे, तो अब जो पड़ोसी रियासत है आंध्र प्रदेश से, वहां से तेलुगु देशम का कोई एक आदमी नाम था जिसका नाम बम्बुलू श्रीवास, बम्बुलू शिवारेड्डी नाम था।
वो चार महल में आकर मूसा बोली के पास बाजाब्ता बम फेंके थे। जी हाँ दोस्तों, सड़क पर चाहे कितने भी दिग्गज उतर जाए, चाहे कितने भी मुद्दा गर्म क्यों ना हो, इसका असली नतीजा तो 4 दिसंबर को ही आनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं स्पेशल हैदराबाद वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।